अबे वो नहीं फिनिश करना था अबे। मैं फिनिश ही कर रहा था, नेट ही नहीं है। तो गाइस आपने अभी देख लिया कि इंडिया में जैसे ही अल्टीमेट रॉयल आया है उसके बाद कैसे कैसे बंदे मिल रहे हैं, और कैंपरों की तो बिल्कुल भरमार है यार। कुछ अच्छी खासी गन नहीं मिलती तो मुझे जो मिलता है उसी के सहारे में बंदों को डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। इनके भागते ही ना मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं नीचे से गन वन लेके ऊपर जाता हूँ, एंड उसके बाद का आप चुप जस्ट हो चढ़ के सीन दो चेक जना भी करो। नॉक हो गए थे। आई नीड कंज्यूमेबल हेल्प। इस पॉइंट पे मेरे दोनों टीममेट नॉक हो चुके थे और अब मुझे काफ़ी अच्छे से पता था चाहे ये कोई से भी लॉबी हो, अल्टीमेट रॉयल है, बंदों का अंधा रस आना ही है। और अब जब बंदे हम पे रस कर रहे हैं तो देखो इस रस को कैसे हैंडल करते हैं, और मेरे एम को इग्नोर करना, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यार इधर भी। दो बंदे मैं मार देता हूँ, दो बंदे मेरे टीममेट मार देते हैं, एंड यहाँ पे ये टीम तो आराम से मर जाती है। अब कोई भी बंदा क्या सोचेगा इनको मारने के बाद देखिए टाइम मिलेगा, गाइस, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनको मारते ही हमारे नीचे एक और टीम आ जाती है, एंड उनसे देखो कैसी फाइट होती है। एम काफ़ी ज़्यादा सेक कर रहा था, लेकिन तभी दूसरा बंदा इसको बचाने जाता है। इसके फंसते ही अब अगर नॉर्मल क्लासिक लॉबी होती तो मैं अंधा रस कर देता, जंप करके चला जाता, लेकिन ये लॉबी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, दैट्स वाई ऊपर से आके इसको फिनिश करता हूँ। तभी ये बंदा इधर से मारने लग जाता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे टीममेट ने भी नीचे एक नॉक दिया है। ये सुनते ही मैं भी फटाफट से नीचे चला जाता हूँ। उज्जवल दिया है, मैंने दिया है। Watch out! इस बंदे ने यहाँ पे जो करा था ना, घोटे मुंह में आ गए थे, इतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गया था ना। लेकिन मैं अपने टीममेट को सबसे पहले ऊपर बुला लेता हूँ क्योंकि इसका बंदा कभी भी हम पे रस कर सकता था। अब आपको भी लग रहा होगा अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, सब रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन जस्ट वेट करो अभी आपको पता चलने वाला है। ये चार बंदे आए, तू उधर ही बैठ, तू उधर ही बैठ। मेरी सांसें अटक गई थी इस पॉइंट पे, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाह रहा था, वरना कुछ इसमें नहीं जो कुछ नहीं, माइनस हो रहा है ना देख के आप भी बिल्कुल परेशान हो जाने वाले हो। नहीं आएगा, डरवा रहे हैं, डरवा रहे हैं। तभी मुझे ओपनिंग मिल जाती है, एक बंदा नेड करने के चक्कर में नॉक खा जाता है। नॉर्मल क्लासिक में तो मैं अभी जंप मार चुका होता, पर ये लॉबी ऐसी है कि अगर मैं नीचे अकेला गया तो मेरी पलटी बननी निश्चित है, इसलिए मैं अपने सब टीममेट से सबसे पहले एमओ वगैरह लेता हूँ, एंड थोड़ा सा वेट करता हूँ, और तभी ये कूद जाते हैं। इनको मैं एक प्योर 1v3 कर चुका था, लेकिन मुझे लग रहा था यहाँ पे और भी बंदा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनको फिनिश करने के बाद हम फटाफट से आगे चलते हैं, और लाइक वाइक कर दो यार अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, पर अब जो सीन आने वाला है वो देख के आपको पता चल जाएगा कि यही इंडियन अल्टीमेट रॉयल इस तरीके का है ना, अभी आपको पता चलने वाला है। हम जस्ट यहाँ पे होल्ड करने आ रहे थे तभी पीछे से फायर आता है। मैं मानता हूँ मैंने काफ़ी गंदा स्प्रे मारा, अब आप ही देखो ना बिल्कुल ठंड से कांप रहा हूँ, पर चूंकि नॉक निकल चुका था मैं भी फटाफट से ऊपर चला जाता हूँ। और अब आपको दिखेगा इंडिया का ऐसा प्लेयर
जो कि किसी को भी मार सकता है इस तरीके से खेल के। मैं यहाँ पे एक मॉली डाल के जैसे ही नेड को करता हूँ कि तभी इस बंदे ने पूरा मूड खराब कर दिया। शॉटगन अब नहीं उठाने। मेरा टीममेट यहाँ पे इनको क्लच कर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। सो गाइज, अगर आप मुझे देखना चाहते हो कि मैं भी अल्टीमेट रॉयल में लेजेंड तक जाऊं और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे गेम प्लेस लाऊं, तो आप सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ मिलने वाला है, रिएक्शन वीडियोस से लेके गेम प्लेस तक यार, चाहे वो स्क्रिम्स हो चाहे क्लासिक हो। कर लो यार फटाफट।